इंडिया नहीं जाएंगे से इंडिया जरूर जाएंगे का सफर जो है वो चुटकियों में तय करने वाले पीसीबी ने आप नया जो है वो ड्रामा शुरू कर दिया है। जो भारत ने हमारा जो एक वेन्यू हमारे लिए डिसाइड किया है वो हमें जनाब उन्होंने खाई में गिराने की कोशिश की है, और मैचेस शुरू होने से पहले ही जनाब हमें जो कंपटीशन है और उससे आउट करने का प्लान जो है वो भारत तरतीब दे चुका है कि अगर हमारी हुकूमत सिक्योरिटी कंसीडरेशंस देखते हुए हमें इजाजत देगी तो हम आएंगे, अगर वो नहीं देगी तो हम कैसे आएंगे पहली बार, और अगर वो देती है तो फिर ये इश्यू बनता है कि कहाँ कौन सा मैच होना है और कहाँ और वहाँ क्या हमारी प्रेफरेंस क्या है, चेन्नई है, कलकत्ता है, अहमदाबाद है, वो बात की बात है। पहली बात तो ये कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अहमदाबाद का तो पहले ही कह रहे थे कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, बाद में बोला कि हमने कभी बोला ही नहीं कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, लेकिन अब चेन्नई और बेंगलोर में भी खेलने से पीसीबी ने इनकार कर दिया है कि हमने यहां पर नहीं खेलना, अगर आपने खिलाना है तो फिर हमारे जो मैचेस हैं उनको स्वैप किया जाए, यानी कि बेंगलुरु में हमें अफगानिस्तान के खिलाफ खिलाया जाए और जनाब जो चेन्नई का स्टेडियम है वहां पर हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज गोइंग टू मच नाउ, मतलब ये अब हद से ज्यादा है, अब आपका हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट हो गया है। जानबूझकर पाकिस्तान का जो मैच है वो शेड्यूल किया गया ताकि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के भी हाथों हारे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और ये तो बचकाना सी बात है, आपने क्या तैयारी की हुई है, आपको जब मालूम भी है कि भाई जाओ टर्नर भी होगा, फ्लैट पिचेस भी होंगे, आपने इसी के हिसाब से तैयारी करनी है। यही बात है कि आपको 5 मंथ पहले पता चल गया है कि आपके मैचेस की आपका वेन्यू जाओ क्या होगा, फिर आप तैयारी करें उस हिसाब से, ना कि आप जो रोना धोना डाल लें कि हमने इधर नहीं खेलना है, हमने उधर नहीं खेलना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। नजम सेठी और पीसीबी का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। मतलब पहले तो वो कह रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं खेलेंगे, अब जो चेन्नई और बेंगलुरु के स्टेडियम से भी उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि वहां पर एक रैंक टर्न जो टर्निंग पिच है और एक फ्लैट पिच है, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ बेंगलुरु में फ्लैट पिचेस में नहीं खेलना चाहते, वो अफगानिस्तान के साथ चेन्नई के चेपक स्टेडियम में वो टर्निंग पिच में नहीं खेलना चाहते, क्योंकि ये मतलब सोच रहे हैं कि हम इन दोनों से हार जाएंगे, क्योंकि यहां के ऑस्ट्रेलिया में जो बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया इनके ऊपर भारी रहेगा और अफगानिस्तान में इनके ऊपर जो अफगानिस्तान इनके ऊपर चेपक में भारी रहेगा। तो भाई क्या तुम्हारे जो भी तुम कहोगे वो सब मान लिया जाएगा, मतलब ना इंग्लैंड को ना ऑस्ट्रेलिया को परेशानी हो रही, तुमको बहुत ज्यादा चुल मची हुई। तो दोस्तों आप वीडियो देखिए, मजे लीजिए, मैं बाद में इनको अच्छे से पहलता हूं। इस वक्त भारत के अंदर जो बेंगलुरु के अंदर चिन्नास्वामी स्टेडियम है उसको बैटिंग पैराडाइज कहा जाता है, उसको बैट्समैनों की जन्नत कहा जाता है। ये क्लेम कर चुका है कि जनाब दुनिया का कोई भी बैट्समैन जो है वो चाहता है कि जनाब मैं एक इनिंग जो है ना वो बेंगलुरु स्टेडियम में जरूर खेलूं, ताकि मैं अपना जो स्ट्राइक रेट है और अब बड़े बड़े छक्के मार के बता सकूं कि मैं तो बड़ा बिग हिटर हूं। और बड़े छक्कों के पीछे की कहानी यह है कि जनाब मान जाती है, और ऑफ साइड पर भी यही है, 50 से 55 मीटर की बाउंड्री है, और स्ट्रेट की बात की जाए तो स्ट्रेट पे 60 से 65 मीटर की बाउंड्री है, और बैक की बात की जाए तो वो भी 60 से 65 की बनती है। सो जब बाउंड्री की डायमेंशन ये है तो ये तो जो बैट्समैन है उनके लिए बैटिंग पैराडाइज बन जाती है, जबकि दूसरी जानब यहां पर देखा जाए तो ये जनाब जो पिच है वो बॉलर्स के लिए भी फ्रेंडली नहीं है, एक तो डायमेंशन की वजह से, दूसरा इस पिच के अंदर जान ही नहीं होती। और आईपीएल के अंदर भी ये देखने को मिला था कि जनाब जो बेंगलुरु के अंदर जब आरसीबी के होम मैचेस थे तो उनमें जो टीमें थी उन्होंने बड़े बड़े स्कोर किए थे। सो यहां पर पाकिस्तान का मैच रख दिया गया ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो ऑस्ट्रेलिया जिनके पास हार्ड हिटर्स हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जिनके पास बॉलर्स अच्छे नहीं है, जिनके पास स्पिनर अच्छे नहीं है, जिनके फास्ट बॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी क्वालिटी के नहीं है, वहां पर मैच रख दिया कि जनाब ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि इनको नजर आ रहा था कि पाकिस्तान जो है वो तो बॉलिंग फ्रेंडली पिच हो या जिसकी डायमेंशन बड़ी हो, वहां पर तो जनाब कोई भी नॉन नेशन टीम हो उसको रगड़ा लगा देगी। सो इसी वजह से पाकिस्तान के लिए चांसेस इस मैच में इंतहाई कम कर देंगे, ये करेगा। अब इसमें अगर टॉस पाकिस्तान हारता है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान को बैटिंग पहले करा देता है, जिसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान ने बॉलिंग सेकंड करनी है, जब पाकिस्तान बॉलिंग सेकंड करेगा वहां पर ड्यू का फैक्टर भी होगा, पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनकी बॉल ग्रिप भी नहीं हो सकेगी, तो भारत तो अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा ना कि पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार जाए। 23 अक्टूबर को मैच खेला जाना है पाकिस्तान का, वो खेला जाना है चेन्नई के चिपक स्टेडियम में। चेन्नई का ये जो चिपक स्टेडियम है इसकी मांग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी की थी, लेकिन यहां पर पाकिस्तान का मैच रख दिया गया अफगानिस्तान के साथ, वो अफगानिस्तान जिनके पास इस वक्त क्वालिटी के यानी के तगड़े 4 स्पिन बॉलर्स हैं, जिनमें राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब रहमान और मोहम्मद नबी। अब चेन्नई का ये जो चिपक स्टेडियम है इसकी अगर रिसेंट हिस्ट्री चेक की जाए, इसके रिसेंट स्टैट्स चेक किए जाए, तो जनाब जो आईपीएल के अंदर चेन्नई सुपर किंग्स चैंपियन बनी है उन्होंने अपने होम ग्राउंड पर कितने स्कोर किए थे या उनकी अपोजिंग टीमों ने कितने स्कोर किए थे, अगर वो आप जाकर चेक कर लेना तो आप समझेंगे कि भाईजन
पाकिस्तान के साथ तो जो गेम थी वो बहुत तगड़ी भारत ने की हुई थी, क्योंकि इस स्टेडियम का जो एवरेज स्कोर है वो 230 के करीब है ओडीआई के अंदर, और ये स्पिन फ्रेंडली है यानी कि फास्ट बॉलर्स के लिए बिल्कुल मदद नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो यहां पर उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकेंगे जितना पाकिस्तान की अवाम उनसे एक्सपेक्ट करेगी। जो हारिस रऊफ है वो उस तरह से नहीं चल सकेंगे, जो नसीम शाह है वो उस तरह से नहीं चल सकेंगे, लेकिन दूसरी जानब जो अफगानी स्पिनर्स हैं वो पाकिस्तान के गिर्द जो जाल है वो फैला देंगे। सो यहां पर जानबूझकर पाकिस्तान का जो मैच है वो शेड्यूल किया गया ताकि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के भी हाथों हारे। जब पाकिस्तान इन दो टीमों के खिलाफ हार जाएगा तो फिर पाकिस्तान के जो सेमीफाइनल में पहुंचने के मार्जिन है वो इंतहाई कम हो जाएगा कि हमने यहां पर नहीं खेलना, अगर आपने खिलाना है तो फिर हमारे जो मैचेस हैं उनको स्वैप किया जाए, यानी कि बेंगलुरु में हमें अफगानिस्तान के खिलाफ खिलाया जाए और जनाब जो चेन्नई का स्टेडियम है वहां पर हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाया जाए। अहमदाबाद का तो पहले ही कह रहे थे कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, बाद में बोला कि हमने कभी बोला ही नहीं कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, लेकिन अब चेन्नई और बेंगलोर में भी खेलने से पीसीबी ने इनकार कर दिया है और यह कहना है कि हमारे जो मैचेस हैं उनकी वेन्यूज को चेंज किया जाए, और इसकी वजह बिल्कुल हैरान कुन वजह मुझे सामने आई है जो यार बच्चों वाली वजह है, बच्चों वाली चीजें जो आप इसी भी कर रहा है। आप देखें अहमदाबाद में आपने बोला कि हमें जो है सिक्योरिटी के इश्यूज हैं और बाकी बहुत सारी बातें बोली, लेकिन अब बेंगलोर और साथ में जो है वो चेन्नई में भी जो है पीसीबी को मसला है, और मसला यह है कि पीसीबी ये कह रहा है कि जो ओवरसीज टीम है यानी कि जो सेना कंट्रीज की टीमें हैं उनके खिलाफ हम जो है वो टर्नर पे खेलेंगे और जो एशिया की नॉर्मल टीम है उनके खिलाफ हम जो है वो फ्लैट ट्रैक पे खेलेंगे। जब आप एक इतना बड़ा इवेंट यानी कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं आपको तैयारी करनी चाहिए कि आपको फ्लैट ट्रैक भी खेलने को मिलेगा, आपको टर्नर भी मिलेगा, आपको ऑस्ट्रेलिया वाले भी मिलेंगे, आपको अफगानिस्तान वाले भी मिलेंगे। आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि हमने जाना है भाई, परफॉर्म करना है और जीत के आना है। ये कोई सीरीज नहीं है या फिर आप होस्ट नहीं है कि आपकी मर्जी से आपको कोई भी वेन्यू जो है वो दे दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और ये तो बचकाना सी बात है, आपने क्या तैयारी की हुई है? आपको जब मालूम भी है कि भाई जाओ टर्नर भी होगा फ्लैट पिचेस भी होंगे, आपने इसी के हिसाब से तैयारी करनी है। यही बात है कि आपको 5 मंथ पहले पता चल गया है कि आपके मैचेस की आपका वेन्यू जो है क्या होगा, फिर आप तैयारी करें उस हिसाब से, ना कि आप जो है रोना धोना डाल लें कि हमने इधर नहीं खेलना है हमने उधर नहीं खेलना है। यार आप पागल है, आप बचकाना सोच के मालिक है कि क्या हो गया, कोई किसी और को कोई मसला नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को मसला नहीं है, उनको आप जहां खिला लें, इंग्लैंड को मसला नहीं है, वर्ल्ड कप आप खेलने जा रहे हैं। वर्ल्ड कप क्या होता है, पूरी दुनिया की 10 टीमें होंगी, ठीक है, और वहां पर अगर देखें तो दुनिया की बेहतरीन टीमें ही होंगी, जो बेहतरीन नहीं है वो वर्ल्ड कप खेल ले रही है, तो फिर आप ये कह लें कि हमें जो टर्नर पे नहीं खेला जाएगा या फ्लैट पिच पे नहीं खेला जाएगा, तो ये तो बचकाना सी ही बात है। लेकिन सर अभी इसके इम्तिहान भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड नजम सेठी ने एक बार फिर एक ट्विस्ट डाला है स्टोरी में और उन्होंने कहा कि जनाब हमने अभी तक जो है वो कंफर्म नहीं किया वर्ल्ड कप में जाने के लिए, हमने तो ये कहा है कि गवर्नमेंट की इजाजत से मशरूत है ये सारा कुछ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर इजाजत देगी तो फिर हम वर्ल्ड कप में जाएंगे और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि हम कौन से वेन्यू पे खेलना चाहते हैं। यानी स्टिल पाकिस्तान इंडिया का जो वर्ल्ड कप का वेन्यू है वही डिसाइडेड नहीं है, पाकिस्तान इज नॉट रेडी टू प्ले एट अहमदाबाद, ये क्लियरली बता दिया गया कि हम अहमदाबाद में नहीं खेल रहे। हम तो अभी आपको ये भी कंफर्म नहीं कर रहे कि हम इंडिया आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये भी अब अगर गवर्नमेंट हमें इजाजत देती है तो हम आपको पहले ये बताएंगे, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे जनाब कि हमने कौन से वेन्यू पे खेलना है कौन से वेन्यू पे नहीं खेलना। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज गोइंग टू मच नाउ, मतलब ये अब हद से ज्यादा है। अब आपका हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट हो गया है, एशिया कप भी जो है उसका ऑलमोस्ट डेट्स और वेन्यूज भी इंडिया ने बीसीसीआई ने और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अब अनाउंस कर दिए हैं, आपको मैचेस भी मिल गए हैं एशिया कप के, अब उसके बावजूद अब आप बार्गेनिंग क्या करना चाह रहे हैं? दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया का ये जो बकवास जो आंकर बैठक के जो बातें कर रहा था कि भाई ये टर्नर पे ये रैंक टर्नर पीछे ये हो जाएगा, ये बाउंड्री इनका 50 मीटर 60 मीटर है, भाई तुम कौन सा पिच रखे हो पाकिस्तान में, मतलब 4 पिचेस वो भी ढंग के पिचेस नहीं है, मतलब किस पिच में जो रावलपिंडी को तो उसको फ्लैट पिच कहा जाता है, कराची को जो नेशनल हाईवे बोला जाता है, और तुम हमारे ऊपर बातें करो कि भाई तुम इसने कौन से बड़े तुरम खान हो जो तुम्हारे लिए पिच स्वाप कर लिया जाएगा, मतलब जहां पर इंग्लैंड की कोई परेशानी नहीं है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की कोई परेशानी नहीं हो रही, साउथ अफ्रीका कभी अब जो जो ड्राफ्ट डेमो ड्राफ्ट है उसको लेकर किसी का भी परेशानी अब सामने नहीं आया, लेकिन तुमको बहुत ज्यादा चुल मची हुआ भाई खेलने मत आओ तुम, तो अगर इतना डिमांड तुम हो रही डिमांड कर रहे हो तो भाई खेलने मत आओ, तुम्हारे बिना हो जाएगा वर्ल्ड कप, इतना अपने आप को मतलब इतना बड़ा तुरंत का नमस्त समझो कि तुम्हारे बिना वर्ल्ड कप नहीं होगा, मतलब हर डिमांड पे डिमांड, हम मोदी स्टेडियम में नहीं खेलेंगे वहां पर हमारे पास हमारे साथ तशद्दुद हुआ था, हम चेन्नई स्टेडियम में नहीं खेलेंगे, हम बंगलुरु स्टेडियम में नहीं खेलेंगे, भाई तो तुमको क्या हम चांद पे लेकर खिला देंगे तो जाकर तुम खुश होगे,
मतलब क्या मतलब सोच रहे हैं, इनका दिमाग में मतलब भूसा भरा हुआ है, कुछ भी बोल देते हैं यहाँ के मतलब सामने कि हम यहाँ पर हर टाइम उनको लगता है कि भाई इंडिया इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अगर दम है तो भारत में आकर दो तीन मैच जीत के दिखाओ, मतलब बड़े बड़े टीम के साथ नहीं, बस अपने आप पे भारी रहेंगे, हम इतना रन खाने, हम हमारे खिलाफ बस भारत साजिश ही करता है। दोस्तों इन सब भाई मतलब आंकर और इनके पाकिस्तान मीडिया की बातों में ज़्यादा मतलब घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि इनके दिमाग में हमेशा गोबर ही भरा रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, और ये जो पिच को लेकर ये जो पाकिस्तान मीडिया में बातें चली इसको लेकर आपका क्या रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।